Hello guys, welcome to my channel. My name is Abhishek and today we are going to discuss about Bresenham circle drawing algorithm derivation. We have already seen the introduction part. Agar nahi dekha hai to main link description mein dal dunga, wahan se dekh lena, theek hai? So let's start. Pichle lecture mein humne ye wala diagram samjha tha. Humne bola tha ki ye hamara 0 0 center hai aur hamara radius of circle r hai aur humko is point ke corresponding ये पॉइंट चूज करना है और ये पॉइंट चूज करना था यूजिंग ब्रेसनहैम सर्कल डायग्राम. इसमें होता क्या था कि या तो हम इसको पॉइंट को चूज करते हैं, इसको इसको हम कैसे चूज करते थे, जो भी हमारा नियरेस्ट होता था सर्कल के ऑक्टेंट के उसको हम चूज कर लेते थे. अगर ये डिस्टेंस डेल्टा ए जो ई वाला डिस्टेंस है ये छोटा है तो हम इसको चूज कर लेंगे, अगर डेल्टा बी डिस्टेंस छोटा है तो हम इसको चूज कर लेंगे. तो सिमिलरली अब हमने यहाँ पे इस डायग्राम को ओरिजिन से लेके बी तक का डिस्टेंस डी बी बोला है, ओरिजिन से लेके ए तक का डिस्टेंस डी ए बोला हुआ है और ए से लेकर के रेडियस तक का सर्कल दिस पोर्शन इज डेल्टा ए एंड दिस होल पोर्शन इज रेडियस. ओके एंड दिस इज डेल्टा बी, जो रेडियस से यहाँ तक का डिस्टेंस है डेल्टा बी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट डेरिवेशन. और ये यहाँ पे हमने डी ए हमारा क्या होगा, डी ए विल बी आर प्लस डेल्टा ए, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल दिस पोर्शन एंड प्लस दिस वॉल दिस पार्ट डेल्टा ए, ठीक है. एंड आर हमारा क्या हो सकता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी बी प्लस डेल्टा बी. ओके, इफ यू सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट्स आर एक्स के एंड वाई के, देन अब हमको ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है तो एक्स के प्लस वन और वाई की वैल्यू सेम रह रही है. ओके, एंड बी की वैल्यू क्या होगी, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा सेम रह रहा है, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ से, एक्स के है तो एक्स प्लस वन यहाँ पे हो जा रहा है और वाई एक डिक्रीमेंट हो जा रहा है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी बी कोऑर्डिनेट्स एक्स ऑफ के प्लस वन एंड वाई ऑफ के माइनस वन. ओके, अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से लेके पॉइंट बी तक का और ओरिजिन से लेके पॉइंट ए तक का. सो डी ए डिस्टेंस जो है हमारा वो है ओ ए डिस्टेंस, उसको हम कैसे निकालेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन का होल स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे. सो एक्स ऑफ के प्लस वन यहां से माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई के माइनस जीरो का होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा. ओके, सिमिलरली हमने डीबी का डिस्टेंस निकाल लिया ओ से लेकर के बी तक का डिस्टेंस, ये हमारा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, ठीक है, एक्स के प्लस वन माइनस जीरो, यहाँ पे एक्स ऑफ के प्लस वन होगा, ठीक है. सो हमारा डीबी हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस वाई एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके हमारा ये आ गया, ठीक है. अब ये हमारे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हो गए. अब हम यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू देखते हैं, डेल्टा ए क्या होगा, हमारा डी ए जो पूरा डिस्टेंस है माइनस द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो डेल्टा ए ऐसे लिख सकते हैं. और डेल्टा बी को हम कैसे लिख सकते हैं, हमारा पूरा डिस्टेंस डी बी माइनस द रेडियस ऑफ सर्कल, तो हमारा ये आ जाएगा. ओके, सो अब लेट अस डिफाइन न्यू टर्म. हम डेल्टा ए डैश एक डिफाइन करते हैं टर्म और एक डेल्टा बी डैश डिफाइन करते हैं. ये हम इसलिए डिफाइन करें ताकि हमारा स्क्वायर रूट कैलकुलेशन जो है अवॉइड हो सके, क्योंकि वरना फिर बहुत दिक्कत आएगी हमारे को डिवीजन करते हुए, इसीलिए. सो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका होल स्क्वायर नहीं लिया, ये पॉइंट नोट करना, हमने पर्टिकुलर जो हमारा एक सिंबल है हमने इसका स्क्वायर ले रखा है, ठीक है. सो डी ए का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पे डी बी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है. अब हमारा ये या तो पॉजिटिव, ये हमेशा हमारा पॉजिटिव ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारा ये ए पॉइंट जो है बाहर लाए कर रहा है, सो डी ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आर, सो दैट्स व्हाई इट विल बी पॉजिटिव. सिमिलरली डेल्टा बी डैश हमारा नेगेटिव आ सकता है, एक्चुअली नेगेटिव ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि डी बी हमारा बी पॉइंट अंदर है, सो डी बी छोटा है हमारा आर से, तो इसीलिए. नाउ हमारा डिसीजन पैरामीटर क्या होगा, डेल्टा ए डैश प्लस डेल्टा बी डैश. इसका कोई रीजन नहीं है कि हमने क्यों किया, ये सिर्फ हमारा डेरिवेशन पर्पज के लिए इसलिए हमने किया हुआ है. अब इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आ सकती है नेगेटिव आ सकती है, क्योंकि डेल्टा बी डैश हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है. सो अगर पॉजिटिव आती है तो मतलब क्या हुआ, डेल्टा ए डैश जो है उसका डिस्टेंस बड़ा है, ज्यादा है, तो तभी हमारा पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि वो नेगेटिव है. सो अगर ये ज्यादा है तो हमें नियरेस्ट पिक्सल प्लॉट करना होता है, तो डेल्टा बी डैश का डिस्टेंस कम है ना, डेल्टा बी डैश का डिस्टेंस कम है तो पिक्सल बी मतलब पास है, तो हम पिक्सल बी को प्लॉट करेंगे. सो विल चूज पिक्सल बी टू अप्रोक्सीमेट दी वैल्यू. ओके, और नेगेटिव अगर वैल्यू आती है तो मतलब क्या हुआ कि डेल्टा बी का डिस्टेंस हमारा ज्यादा है और डेल्टा ए का डिस्टेंस कम है ना. तो अगर डिस्टेंस इसका कम है तो हम ए वाले पिक्सल को चूज करेंगे, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हमारा कम है, जो भी डिस्टेंस कम होता है हम उसको चूज कर लेते हैं. सो इसलिए ए पॉइंट को हम लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे. नाउ हम डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे. सो हमारा डेल्टा ए डैश प्लस डेल्टा बी डैश था डीके की वैल्यू. सो हमने यहाँ पे डेल्टा ए डैश और डेल्टा बी डैश की वैल्यू पिछले पीछे से डाल दी, तो डी ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है. यहाँ पे जो हमने वैल्यूज एज्यूम करी थी यहाँ से ये वैल्यूज डाल दी है. उसके बाद हमने क्या किया है, हमने पहले इसको
डीके की वैल्यू को यहाँ पे सिंपल सिंप्लीफाई करके लिख दिया, जो भी हमारा सॉल्व करने के बाद आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डीके की जो वैल्यूज थी उसको हमने डी ऑफ के प्लस वन इटरेशन में जो हमने लिखा, तो सिंपली हमने के को के प्लस वन से रिप्लेस कर दिया सबस्क्रिप्ट में, ओके। तो ये हमारा इक्वेशन वन हो गया, इक्वेशन टू हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे हम हर एक डेरिवेशन में करते हैं, हमें डी ऑफ के प्लस वन को माइनस करना है डी के से, मतलब के प्लस वन इटरेशन को के से माइनस, के इटरेशन से माइनस अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, ये हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सिमिलरली दिस टर्म माइनस दिस टर्म, ये माइनस ये हो गया। फिर वाई ऑफ के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वाई के का स्क्वायर, ये लिखा। और सिमिलरली नेगेटिव टू आर का स्क्वायर प्लस टू आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्स ऑफ के प्लस वन की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स ऑफ के प्लस वन मतलब हमारा एक्स जो के प्लस वन इटरेशन में वैल्यू है उसकी वैल्यू हमेशा वन से इंक्रीमेंट होती है, हमने पढ़ा है ना, एक्स की वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट होती है वन से। सो डी ऑफ के प्लस वन माइनस डी के क्या हो जाएगा हमारा, हमने यहाँ पे एक्स ऑफ के प्लस वन को रिप्लेस कर दिया एक्स ऑफ के प्लस वन से, तो हमारा यहाँ पे एक्स ऑफ के प्लस वन के बदले ये वैल्यू आ गई, तो एक्स के प्लस टू हो गया। ये टर्म एज इट इज रहा, ये टर्म एज इट इज रहा, ये भी एज इट इज रहा, ठीक है, और ये भी एज इट इज रहे। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया आगे, ठीक है। जो हमारे ये स्क्वायर्स वैल्यू थी इनको हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाले फॉर्मूले से यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। यू कैन सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सिमिलरली हमने सारे इसको एक्सपेंड किया, इसको भी और इसको भी। और फिर इसके बाद हमने आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, हमारा वैल्यू कुछ ही आएगा। और फर्दर अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सो डी के प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, डी ऑफ के प्लस फोर टाइम्स एक्स के प्लस टू टाइम्स वाई एफ के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वाई एफ के का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स वाई एफ के प्लस वन माइनस वाई के प्लस ऑफ सिक्स, ओके। सो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हमने दो केस देखे थे कि या तो ये नेगेटिव हो सकता है या तो ये पॉजिटिव हो सकती है वैल्यू, है ना, यहाँ पे हमने देखा था ना कौन सा पिक्सल उसके हिसाब से हम चूज कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारा डी ऑफ के इज लेस देन जीरो, है ना, तो हम क्या करेंगे, पिक्सल ए इज चूजन और हमारी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारा के प्लस वन सिचुएशन में उसकी वैल्यू हम वाई के रखेंगे। पॉइंट ए हमने यहाँ पे क्यों चूज किया ये समझ में आ रहा है ना, ये हमने जो अभी ऊपर डिस्कशन किया कि हमारा अगर ये डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारा पिक्सल ए विल बी चूजन, है ना, तो हमने इसीलिए लिया यहाँ पे, ठीक है। सो डेल्टा अगर हमारी डी की वैल्यू नेगेटिव आई है तो हमारा वाई ऑफ के प्लस वन वाई के होगा, और अगर मैं वाई ऑफ के प्लस वन को वाई के रखता हूँ इस वाली इक्वेशन में तो फिर मेरी डी ऑफ के प्लस वन कुछ ऐसा बनेगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर वाई ऑफ के प्लस वन की अगर मैं वाई के रखता हूँ तो वाई के स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर जीरो हो गया, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली वाई के माइनस वाई के भी जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा डी के प्लस फोर टाइम्स एक्स के प्लस सिक्स, वो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सिमिलरली केस टू, अगर हमारा डी के की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होती है तो हम पिक्सल बी को चूज करेंगे, ठीक है, और उसमें वाई के प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, वाई ऑफ के माइनस वन, ठीक है, क्योंकि हमने डायग्राम में भी देखा था हमारा जो बी वाला पिक्सल है इसकी वैल्यू अगर ये एक्स के है तो एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है और वाई की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो रही है, ठीक है ना, इसीलिए वाई के की वैल्यू क्या होगी, वाई ऑफ के प्लस वन की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो जाएगी, वाई ऑफ के माइनस वन है, ठीक है। नाउ डी ऑफ के प्लस वन, सिमिलरली हमने क्या किया है इस वाली इक्वेशन में, जहां पे भी वाई ऑफ के प्लस वन है वहां पे वाई ऑफ के माइनस वन लगा दिया, रख दिया मतलब, और फिर इसको सॉल्व किया, ठीक है, यहाँ पे वाई ऑफ के प्लस वन था यहाँ पे वाई ऑफ के माइनस वन लिख दिया, सिमिलरली यहाँ पे वाई ऑफ के प्लस वन था यहाँ पे भी वाई ऑफ के माइनस वन लिख दिया, तो वाई के से वाई के हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। और फिर हमारा सॉल्व करने के बाद इक्वेशन जो बना इसको हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, और फिर जो हमारा कटता था हमने उसको काट दिया, जो भी जैसे वाई के से वाई के कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद हमारा डी ऑफ के प्लस वन की वैल्यू आती है डी ऑफ के प्लस फोर टाइम्स एक्स के माइनस फोर टाइम्स वाई के प्लस टेन, ठीक है। सो ये दो हमारी इक्वेशंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगी। नाउ हमें पी नॉट की वैल्यू मतलब डी नॉट की वैल्यू भी चाहिए होगी, जैसे हमने हर डेरिवेशन में निकाला इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, क्यों, क्योंकि हमारी जो के प्लस वन इटरेशन की वैल्यू है वो पिछले वाले डीके पर डिपेंड कर रही है, अगर ये डी फाइव है तो हमारा डी फोर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो सिमिलरली अगर हमारा डी जीरो होगा तो वो उसे हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि डी ऑफ नेगेटिव वन तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए हम उसका डी नॉट की वैल्यू निकालते हैं इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की, ठीक है। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन जो हमारी डीके की आई थी इक्वेशन, हमने उसमें डी के बदले डी नॉट सब्स्टिट्यूट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व करी थी न्यूमेरिकल डेरिवेशन में, डीके की वैल्यू ये थी, इसमें बस हमने के की वैल्यू जीरो डाल दी है, तो एक्स नॉट प्लस वन का होल स्क्वायर वाई नॉट माइनस वन आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस वन का स्क्वायर माइनस वाई नॉट माइनस वन,
एंड सिमिलरली एक्स और वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी और हमारा आर स्क्वायर एज इट इज रहा, ठीक है। तो अब हमारा इनिशियली जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो हमने सीखा हुआ है कि हमारा इनिशियल पॉइंट कौन सा प्लॉट होता है, 0, r, मतलब जो हमारा रेडियस होता है ना वाई कोऑर्डिनेट पे। इनिशियल हमारा कौन सा पॉइंट प्लॉट होता है, 0, r, ये वाला पॉइंट प्लॉट होगा हमारा, ठीक है ना। सो इसलिए हमने इनिशियल पॉइंट ही ले लिया। तो जब हम एक्स नॉट की वैल्यू 0 और वाई नॉट की वैल्यू r रखते हैं तो हमारा डी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3 - 2r। अब हमने जब इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि ये हम क्यों प्रीफर करते हैं ओवर मिड पॉइंट एल्गोरिथम, ये था कि इसमें हमेशा इंटीग्रल वैल्यू आती है ना, तो इसीलिए हम इसको प्रीफर करते हैं क्योंकि इसमें कभी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम पिक्सल प्लॉट करते हैं तो पिक्सल कभी भी पॉइंट्स में नहीं होता है, तो आर की वैल्यू जो हमारा रेडियस है या तो 1, 2, 3, 4, मतलब कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, तो अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है तो ये हमारा कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट नहीं हो सकता है। सो इसीलिए हम इसको प्रीफर करते हैं ओवर मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस, हमारा डेरिवेशन हो गया, अब हम इसका एक एग्जांपल और देखेंगे। सो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, टेक केयर।